वैसे अब तक कराची اسلام से ज्यादा अगर कंपैरिजन करें कौन सी जगह पसंद की बात कर रहे हैं पसंद ना पसंद की बात कर रहे हैं अ एज अ सिटी ये दोनों के प्रोस एंड कॉन्स हैं आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनल प्रेफरेंस इफ आई वाज 60 इयर्स ओल्ड <laughs> <सुवान ला। laughs> चलेंटार इनशा आज का टॉपिक हमारा है तो आप मुझे बता रहे थे कि आपने माशा आज कल बड़ी रिसर्च की है इस वेरी टॉपिक में इसके <laughs> <डिटेल्ड पर laughs> <in -depth रिसेर्ट। laughs> ऊपर हमने रिसेंटली बात भी की थी एक जब शायद हल्का पे किसी और जगह पर टॉपिक पर बात भी की थी हमने Uh, ये जो गोइंग वायरल वाला मसला है ना एक तो इसकी मसाले आपको पता है बेशुमार मसाले मिलेंगे आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है ऑब्वियसली नहीं बिल्कुल <laughs> दे, 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 ये ऐसी बात है <laughs> तो आप आप पिछले मैं देख रहा हूँ कि जिस टाइम के ऊपर हम लोग अपने जेडीस के अंदर आप इफ यू गो बैक नाइन ईयर्स एट नाइन ईयर्स आप पीछे चले जाओ ना उस टाइम के ऊपर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड एक स्टार्ट हो चुका था और आई एट भी वेरी ओपन है सारे मामले के अंदर क्योंकि पता होना चाहिए सबको हमारे टाइम के अंदर भी ना मैं देख रहा था कि जो चाहे वो म्यूज़िक है चाहे वो मूवीज़ हैं चाहे वो जो भी कॉन्टेंट है ये सारा जो कंटेंट था ना इसके अंदर एक स्टडी डिक्लाइन आना शुरू हो, हो चुका था आफ्टर दर्ली टू थाउजेंड्स उसके बाद जो है ना वो डिक्लाइन एक आना शुरू हो चुका था वो जो डिक्लाइन है वो इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं एडिटिंग स्किल्स

आप ऐसे तो देखेंगे ना कि जैसे जैसे लोगों का इंटेलेक्ट लेवल मैं तो कहूँगा कम होता गया ना वहाँ पे एक्सप्लिसिट मवाद बढ़ता चला गया और नॉनसेंस चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होना शुरू होगी और अगर आप सिंगर्स की बात करें म्यूजिशंस की बात करें अगर आप एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि बेकार किस्म के जो ज़ीरो टैलेंट वाले लोग हैं ना वो भी मशहूर होना शुरू हो गए True. और वो आपको चीज बिल्कुल अपनी मुकम्मल मैनिफेस्टेशन जो है ना उसकी आपको अब मिलती है उसकी रस्ते में आप अगर हम नाम लें हमारे ऊपर भी स्ट्राइक ना हो जाए हम नाम ले तो ना, ना, मिसाल के तौर पर आज से कुछ साल पीछे चले जाए आप। आपको याद होगा एक गाना मशहूर हुआ था ओपा गैंगनम स्टाइल बिल्कुल याद है मुझे किस बात पर ना किसी को समझ आ रही है क्या चल रहा है ना कुछ और फिर उसके बाद एक और जबान में कोई हिंदी का भी गाना था

एक 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 मिकदार में फोमो पाया जाता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट यस yes. कुछ चीजें होती हैं हम सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसलिए उसको इंडोर्स करते हैं उस आइडिया को ताकि हम उस आ, बैंड वैगन का पार्ट बन सकें उसमें हम से चारे, 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 फिट इन हो सके सोसाइटी में आप ठीक कह रहे हैं मैं कुछ एक हफ्ते पहले की बात है पी टी वी आर्काइव के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें पाकिस्तान टेलीविजन के जो अशफाक अहमद साहब के जो शोज थे और उस टाइम का कंटेंट था वो पड़ा हुआ था एंड आई वॉज गोइंग थ्रू ब्राउजिंग थ्रू दो कॉन्टेंट और मैं वहाँ के कॉन्टेंट उस टाइम का कितनी कोई इंटेलेक्चुअल बातें हुआ करती थी इवन जो ड्रामे थे उसमें जो डायलॉग्स होते थे ना उसमें आपको सीखने को कितना कुछ मिलता था exactly. और honestly, आज के दौर की आज के दौर की आप किसी भी मेजर मीडिया प्रोडक्शन कंपनी का कोई भी ड्रामा देख लें okay. सेंसलेस नॉन सेंस वाहयात फोहश म्यूजिक गंदगी और उसको वो पैकेजिंग में जो है ना आपको बेच रहे हैं कि ये, है, ये बिल्कुल आप यार अभी आप एक देखें अगर आप आपके अपने मुल्क के अंदर इस वक्त जो सेलिब्रिटीज शो जिनको हम कहते हैं उनको आप देखेंगे अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो है आप देखेंगे अगर तो अगेन जीरो मीमर है उस वो एक्टर बन चुका है ठीक है जो सिंगर्स हैं वो भी एक्टर्स हाँ, बन चुके हैं ठीक है थीके? और अब आप देखेंगे किसी की एक वीडियो वायरल होगी किसी एक डायलॉग के ऊपर और वो भी एक्टर बन गया बंदा वो भी सेलिब्रिटी बन गया यहाँ पे ये आ, अभी रिसेंटली ये जो एक, एक, एक बच्ची जो है डांस कर रही है उसके ऊपर अब किसी के मेहंदी फंक्शन पे या शादी के ऊपर फंक्शन है इतनी वायरल होगी उसे आप सोशल मीडिया खोलेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा मतलब बस कर दो मेरी नजर में तो उसके अंदर जो थोड़े से एक्शन थे वो बहुत अंदाज में थे मैंने पहले भी मैं उसकी वजह से वो मशहूर हुई है और अब उसका कोई इंटरव्यू चला था कहीं पे किसी मॉर्निंग शो में अपने मुझे नहीं याद किसी

कोई बंदा एक नॉन सेंसिकल सी हरकत करता है और अगले दिन आप देखते हैं कि यार वो आपका एक्टर भी है वो आपका आ, जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी बन जाता है उससे आप जो है फ़िकी नोयत के जो है वो ओपिनियंस भी ले रहे होते हैं द थिंग इज़ कि हमारा मैार बहुत गिर चुका है हम बस एक चीज़ देखते हैं विदाउट थिंकिंग विदाउट प्रोसेसिंग कि हुआ क्या है हम बस उस चेहरे पे फेस वैल्यू पे जो है ना उस चीज़ को हर जगह जो है ना उस पर चाहे वो कमर्शल्स हों ब्रांड्स जो है ना उनको डील्स देना शुरू कर देती हैं अभी से नहीं अगर आप पाकिस्तान में देखें ना कि हमारी चीज़ें क्या वायरल होती हैं पिछले कोई पाँच छः साल में आप कोई काम की चीज़ वायरल होते हुए मुझे दिखा दें कुछ भी नहीं बेकार की चीज़ें मतलब ये जो रिसेंट जो जिस डांस की आप बात कर रहे हैं लिटरली लिटरली मैंने ये नहीं देखा लेकिन जब भी मैं चाहे वो YouTube शॉर्ट्स हों चाहे वो Facebook पे मैं स्क्रॉल कर रहा करूँ चाहे वो मैं Instagram पे हों नजर से गुजर रहा है और इतनी दफ़ा गुजर रहा है और एवरी इज़ टॉकिंग अबाउट इट जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है कोई बहुत माशाल्लाह उसने जो है ना कश्मीर का मसला हल किया है जिस तरह से इस पर बात हो रही है मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो मैार है कॉन्टेंट कंज्यूम करने का वो कितना गिर चुका है इस तरह किसी भी माशरे की आपको शूर का पता लगाना होना आप देखें कि वहाँ पर किस तरह का कॉन्टेंट कंज्यूम किया जाए और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किस तरह का कॉन्टेंट कंज्यूम किया जाता है आ, नासिर खान जान ठीक है इस तरह की कॉन्टेंट को हम वायरल करते हैं इस तरह का कॉन्टेंट पसंद किया जाता है और ये चीज़ें खुद से वायरल नहीं होती exactly. इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है इस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल ऐसी अच्छा, और मैं, मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगा सॉरी टू टू कट यू ऑफ अगेन कि इट्स इट्स नॉट जस्ट कोई एक बंदा बहुत ऑफ या बहुत चीप हरकत करता है बहुत ही मेला किस्म का जो है ना काम करता है लोग उसको वायरल करते हैं मतलब आवाम वायरल है ना तो जो आवाम उस माइंड सेट की है और बल्कि उसको कंडीशन किया गया है मतलब मीडिया से बम्बार्डमेंट की गई है कि फोहश किस्म की चीजें टू तो मूवीज इवन गेम्स तो उस तरह की जब आप कंडीशनिंग कर देंगे एक सोसाइटी की तो फिर ऑब्वियसली वो डिमांड भी वही चीज़ें करेंगी तो चुछु। वो 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 बेसिकली वो विशेष साइकिल का एक हिस्सा बन जाते हैं So. वहाँ से वो अजीब सा कंटेंट जनरेट करते हैं तो यहाँ से आवाम रेडी है कि उसको बस शेयर कर कंज्यूम करें और ये जब से मीम कल्चर आया है ना तब से इस तरह का कंटेंट और ज़्यादा लोग जो है ना कंज्यूम करने लगें कि उसका फिर मजाक बनाओ फिर उसको हर जगह यूज़ करो अच्छा एक बात जो मुझे बड़ी ऑफ लगती है हया का एलिमेंट इसमें जो है न, बहुत ना बहुत ज़्यादा हमारा होता है कभी कभी कुछ बहुत वाहियात सी चीज़ें हमारे मीमर्स शेयर कर रहे होते हैं और दोस्तों के बीच में वो बड़ी मतलब एक आम सी बात होती है कोई बहुत फोहश वीडियो होती है लेकिन उसको मजाक बना के जो है ना आगे दोस्त एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं हया का एलिमेंट भी बिल्कुल मतलब इस चीज़ को तो हया के उस उसमें रखते ही नहीं है ना ये तो मजाक है ये तो मजाक है मजाक तो दोस्तों में एंटरटेनमेंट है मतलब यार ये तो मतलब इससे तो चलता है तो हमें जो एक एंटरटेनमेंट का भी जो मैार है ना वो भी हमारा काफी ब्लर हो चुका है हमें नहीं पता कि इंटरटेनमेंट और बेहयाई में क्या फ़र्क है बिल्कुल हम बेहयात चीज़ों को एज़ इंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हैं और अ, मेरी नज़र में जब आप लोगों से गुफ्तगु भी करते हैं ना अक्सर औकात मैंने लोगों को ये कहा भी है आप नोटिस करेंगे कि जिन लोगों के पास ह्यूमर नहीं होता ना और जिन लोगों के पास और कुछ कहने को नहीं होता तो वो फिर सहारा लेते हैं चीप गुफ्तगू का ठीक है वर्गर गुफ्तगु का क्योंकि उनको पता है कि यार इसके अलावा मैं अगर कोई बात नहीं की ना तो लोग हंसेंगे नहीं मेरे नहीं पर देखेंगे भी नहीं हंसेंगे भी नहीं और मुझे लिफ्ट नहीं कराएंगे बेसिकली तो दी ओनली वे टू गेट नोटिस और टू से समगर और जो हया की आपने बात की ये तो इन ऑफ इट सेल्फ ये पूरा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम कड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन किस तरीके से इस मीडिया के अंदर जो है ना वो एजेंडा ड्रिवन एजेंडा ड्रिवन ये मीडिया सारा का सारा और ये बाकायदगी से स्लोली एंड श्योरली पहले हया के एक लेवल पे था फिर वहाँ से मज़ीद नीचे गिरता गया और फिर मजदीद नीचे गिरता गया आईसा, आईसा, और आ, आपको मालूम है कि हया की जितनी इंपॉटेंस हमारे दीन के अंदर है अगर हम उसके बारे में यहाँ पे कॉन्टेंट रखना शुरू करते तो बंदा हैरान परेशान था कि उसके बगैर हया के बगैर ईमान नहीं हो सकता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है हयात जो है वो इट इज इट इज अ पार्ट ऑफ ईमान और हया हया खत्म खत्म हो जाए तो वो जो मर्जी होगी तो फिर चाहे जो मर्जी करो फिर आपके ऊपर कोई रोक रोकथाम नहीं होगी तो यही मिसाल आपके सामने आजकल और आप उठा के टिकटॉकर्स को देख लें आप टिकटॉकर्स को उठा के देख लें कौन से टिकटॉकर है जिसका पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है और कंटेंट क्या है उनका कुछ भी नहीं है ठीक है आप सिर्फ और सिर्फ आजकल कॉन्टेंट की मशहूर हो रहा है जो बंदा वर्गर बातें कर रहा है ठीक है आ, अगर खातीन है द वन हु इज़ शोइंग द मोस्ट स्किन वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग जिसकी सबसे ज़्यादा आपको जो है ना है जिसकी चैनल के ऊपर है आपको वो सबसे ज़्यादा मशहूर होती हुई नज़र आती है और ये बिल्कुल इस्लामी इकदार के ख़िलाफ़ है आप इवन ये जो जॉयलैंड की बात कर रहे हैं पिछले कितने अर्से से हम लोग इसके ऊपर बहुत फरोशसली इसके ऊपर हम कैंपेन कर रहे हैं और राइटली सो लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जो उसको बनाने वाले हैं जो इसको प्रमोट करने वाले भी हैं हमारे कितने भाई हैं जिन्होंने जाकर देखी सैन बोर्ड के साथ जाकर बैठ के देखी है मूवी है जस्ट टू क्लैरिफाई कि इसमें कुछ ऐसी चीज कौन सी चीज़ कट करनी है अगर रिलीज करनी है नहीं करनी हो गई करी उन्होंने कहा इस मूवी में कुछ भी नहीं उन्होंने कहा इसकी ना इसकी स्टोरी लाइन है ना इसकी कोई बेसिस है ना ये कोई एंगेजिंग मूवी है मतलब इट इज अ टॉर्चर ऑफ टू एंड हाफ आवर्स आवर्स टाइम है आर्ट के नाम तो, पर exactly, एग्जैक्टली आर्ट के नाम के और कुछ भी नहीं इस मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एजेंडा को लेकर चलना तो गोज विदाउट से सब कुछ एजेंडा ड्रिवेन है और और, और स्लोली बट, बट शोरली अगर आप देखें ना कंटेंट में आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई का जो फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है बिल्कुल नज़र एक टाइम पे ज़िया भाई का मैं एक एक टॉक थी बहुत पहले मैंने सुनी थी जो बताते थे एटीज़ तक जो था ना कि वो बेड शेयरिंग सीन जो होता था ना वो भी अलग अलग बेड्स पे अगर कोई ये मैं यू की बात कर रहा हूँ वहाँ के नेशनल टेलीविजन में चला था ना और इसको सेंसर बोर्ड ने उस वक्त बंद करवा दिया था शो को क्योंकि उसमें जो है ना इंटमेट सी था और वल्ला हम सिर्फ जॉयलेंट तो एक एक्सट्रीम है जिसमें हम बात कर रहे हैं बाकी जो कंटेंट पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म की मैं बात कर रहा करूँ एज अ फ़िल्म मेकर मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएटिविटी ज़ीरो म्यूज़िक डाल दो औरत को ना नचवा दो बेहयाई डाल दो फिल्थ कॉमेडी के नाम पर फिल्थ बेचो पता है एक वो आपने ह्यूमर की बात की ना एक अच्छा ह्यूमर होता है और एक होता है आप गालियां दो डबल मीनिंग बात करो और अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं जितनी बड़ी फिल्म हैं उनमें यही कुछ है डबल मीनिंग बातें होंगी ठीक है आपके स्टेज ड्रामाज जो होते थे थिएटर्स में जितने भी चलते हैं टोटल फिल्थ है टोटल डबल मीनिंग बातें हैं हमारी मूवीज़ में अगर आप देखें जितनी भी कॉमेडी मूवीज़ हैं नाम मैं नहीं लूँगा लोगों को पता है बहुत आ, अच्छी तरीके से वो समझ गए होंगे फिल्थ टोटल फिल्थ ऐसी है। कोई कंटेंट नहीं कुछ सीखने के लिए नहीं चले सीखने के लिए नहीं है आप इंटरटेनमेंट सीखने के लिए आप अगर ये बहस करते हो कि नहीं है इंटरटेनमेंट आप किस म्यार की दे रहे हो

पक्की बात है मीडिया विल सेल यू लिटरली एनी थिंग एंड इट विल सेल यू एवरी थिंग जो वो चाहते हैं और है। लोगों को ये समझ में नहीं आती कि पीपल आर शीप एंड मीडिया इज़ और वो दी वाला मामला आके लेके चली जा रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि एग्जैक्ट अला के नबी वसल्लम की जो हदीस मिलती सुल्णा है सुल्णा कि ईयर्स ऑफ ट्रेचरी विल विल कम अपॉन यू कि ऐसा दौर तुम लोगों के ऊपर आएगा जिसको आप ट्रेचरी को ऐसे कह रहे हैं कि जैसा गद्दारी की इसकी डायरेक्ट मीनिंग है या बेसिकली धोखेबाजी का दौर आ जाएगा और ये वो दौर होगा जिस दौर के अंदर सच्चे को जो है वो झूठा समझा जाएगा और झूठे को जो है वो सच्चा समझा जाएगा ठीक है जो बंदा अमानत दार है उसको जो है उसको ख्यानत करने वाला धोखेबाज समझा जाएगा और जो धोखेबाज है उसको अमानत दार समझा जाएगा ठीक है और ये दौर हमारे ऊपर इस वक्त आप देखें तो आ चुका है और पूरी जो हदीस है वो यही है कि उसके बाद जो पेटी लोग होंगे ना छोटे लोग होंगे वो लोगों को स्पीचेज डिलीवर किया करेंगे और वो लोगों से खिताब ख़िता लोगों से बात किया करेंगे और जब पूछा किया गया कि किन लोगों की बात हो रही है तो ये लीडर लीडर्स की बात हो रही है आपके जिन लोगों को सीट्स मिल गई जिन लोगों को प्लेसेस ऑफ पावर मिल गए तो आज आप देखेंगे वाकदा ऐसी हो रहा है जो कोई हक़ बयान करने वाला बंदा है जो कोई सच बयान करने वाला बंदा है उस बंदे की बात को जो है ना वो इट इज़ बीइंग ड्रिवन टू द ग्राउंड और उसकी कोई अहमियत नहीं दी जा रही उसको या उसको झूठा या उसके ऊपर कोई लेबल लगा के या उसको अजीब गरीब क्या कर उसको साइड पर किया जा रहा है और जो लोग फिल्थ ठीक है धोखा फ्रेब और आपके नुकसान की चीज़ें बेच रहे हैं लोग वो पैसे दे दे के वहाँ पर जा रहे हैं मतलब तो आप इसकी मिसाल देखो आप लोगों को यहाँ पे पूरा दिन आवाज़ लगती है यहाँ पे हया अल फ़ला हया अल फ़ला कितने लोग जाते हैं कुछ भी नहीं जानते अब मैं खुद इतने हम खुद दीन की दावत के अंदर मुलवस हैं आप देखें कितनी अब दे हैव स्प्राउटेड अप और कितना काम कर रही हैं दीन की दावत का और बहुत कम है अभी भी लेकिन अभी भी काम कर रही हैं फ्री में बुला रहे होते हैं हम लोगों को हम भी बुला रहे हैं और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं हर मकतब है फ़िक्र के फ्री में लोगों को बुला रहे होते हैं और फिर भी लोग उस तरह नहीं आते जिस तरीके से किसी कॉन्सर्ट में आएंगे मतलब लोगों को वो चीज़ चाहिए और इससे ज़्यादा बदब्ती की क्या क्यात होगी हमारी कि हज़ैफा अपने यमान के बारे में आप लोग सब जानते होंगे और ऑडियंस के लिए अगर थोड़ा सा बताना चाहें तोमान रजी अल्लाहन वो सहाबी हैं जिनको रासदान रसूल कहा गया है ठीक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलम उनको राज बताया करते थे इसके अलावा यमान वो हैं कि आप देखें सहाबी का मरतबा क्या है उनको अल्लाह के नबी सल्ला वसम जो है वो अपने राज बता रहे हैं उनको सीक्रेट बातें बता रहे हैं जो चंद एक लोगों को बता रहे हैं और किसी को नहीं बता रहे अल्लाह के नबी ये सहाबी जो हैं ये जब अल्लाह के नबी सल्लम सवाल किया करते थे तो ये अक्सर औकात लोगों से फ़ितनों के सवाल किया करते थे और मसाहब के सवाल यह करते थे कि हमारे ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और जब इनसे पूछा गया इसलिए कहता कि तक यार हम इन चीज़ों को टैकल कर सकें बाद में कल को हमारे ऊपर जब ये चीज़ आती है फितना खड़ा होता है हमारे ऊपर तो हमें पता हो कि हाउ टू रिएक्ट अपॉन इट इनको जब पूछा जाता है कि सबसे बड़ा फितना क्या है तो आपके ख्याल में इनकी ओपिनियन की वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए इन्होंने आगे से जवाब दिया दियाफर अपने यमान रजिया जवाब दिया उन्होंने कहा सबसे बड़ा फितना ये है कि लोगों के सामने हक और बातिल दोनों चीज़ें मौजूद हों और वो उन दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क ना कर सके और डेफिनेटली तो डेफिनेटली और, और अच्छा। आ, ये जो एक सोसाइटी का जिस लेवल पे हम आ चुके हैं ना एज ए सोसाइटी तो ये जो वेस्ट की तरफ से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी आ, उसके बाद से लेकर अराउंड नाइनटीन सिक्सटीज़ तो उस दौर से लेके जो है ऐसा ऐिस्ता वेस्ट में वो फैला फाशी वाला उनका ऑब्जेक्टिव ही था कि हमने लोगों को जो है आ, मतलब लिबास कम से कम करना है और हर किस्म का वलगर कॉन्टेंट फोश कॉन्टेंट वो उनको दिखाना है और इवन वेस्ट में देखें हम जो आ, जो स्ट्रीट लाइफ है उनकी जिस तरह वो गैंग गैंग्स होते हैं गैंगस्टर्स होते हैं तो वो वो अल लाइफ स्टाइल इतना प्रमोट किया जाता है और यूथ देख रही है उसको कंज्यूम कर रही है ऐसी। और होता है ये वो इस सा इस सा वैस सा वैस से होते 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 सब कंटेंट तो, तो 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 बात, बात, मतलब, अगर कोई बंदा उस पेडिस्टल पे आ गया फेम पे आ गया अब हमें चाहिए कि वो हर चीज में अपना ओपिनियन दे चाहे उनकी वो सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज हो या ना हो वो उस पर हमें ओपिनियन दे फलां बंदे ने बहुत बड़ा व्लॉगर है ये इस्लाम का ये बहुत बड़ा इशू है उसका क्या कहना है इस बारे में ठीक है ये चीज़ भी जो है ना एक बहुत बड़ी हमारा आ, फितना कॉजिंग चीज़ है कि हम आ, कुछ नहीं देखते कि क्या क्रीडेंशल्स के हैं अगर कोई बंदा क्रेडिबिलिटी क्या अगर कोई बंदा किसी चीज़ पे कोई बात कर रहा है तो वेयर डज़ ही स्टैंड ही और शी कहाँ पे वो मतलब क्या वो उस, उस टॉपिक पे बात करने के लायक है क्या उस टॉपिक पे उस सब्जेक्ट पे उनका ओपिनियन मैटर करता है भी है या नहीं अब इस्लाम का कोई इशू है और स्कॉलर्स का उस पर इख्तलाफ है लेकिन इनकी एक वीडियो आएगी आठ मिनट

प्राइम एग्जांपल आपने किसी को देखना ना कि कौन शख्सियत परस्त है या नहीं है आप देखेंगे कि वो किसी भी बंदे को जिसको वो फॉलो करते हैं जिसको पसंद करते हैं जिसकी शख्सियत परस्ती में वो मुलविस है आप देखेंगे वो उसके बारे में वो कोई बात बोलेगा ना अगर उसने गलत बात कर दी अब गलत है उसको अब वो क्या बोलेंगे नहीं ही 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 डिडंट मीन दैट ठीक है लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ठीक है पूरी बात को सुने आप समझे नहीं कि वो किस एंगल से बात कर रहे थे से आपको को आप उसका ये मतलब नहीं था अगर उसने कह भी दिया तो क्या बड़ी बात होगी फाइनली फिर फाइनली होती है। और ये शख्सियत परस्ती की जो है ना वो सबसे बड़ी बड़ी अला, है। और हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी इस कौम की और खास तौर पर लिबरल तबके की हिपोक्रेसी जब हम दीन की बात करते हैं ना यार दीन जिस जो लो ऑथेंटिक स्कॉलर से लो जिन लोगों को दीन का इल्म हो उनसे लो हम खुद भी ये कहते हैं हम हम कहते हैं उनसे दीन का इल्म लो उसको क्या कहते हैं ये मत देखो के, क्या कहते हैं कौन, कौन बात कर रहा रहा है 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 ये ये देखो क्या देखो क्या बात बात कर लेकिन जब अपनी बारी हाँ। बात आती अब नहीं देखते वो हाँ। कह रहे हो हाँ। हाँ। चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे वो डांसर हो चाहे वो कोई भी हो वो आपकी वाली बात वो दीन के मसलों के ऊपर आके अब फतवे दे रहे हैं लोग उनसे पूछ रहे हैं सर मेरा ये वाला मसला है इसको मैं कैसे डील करूं मैं आपको बताता हूं जी अलैहि But, और ये हम हम उनको उस पेडिस्टल पे रखते हैं पता है ये चीज़ जो है ना और अगर ये बंदा तो इस्लाम ने आपको शख्सियत परस्ती बिल्कुल भी नहीं सिखाई इस्लाम ने आपको आइडिया को फॉलो करना सिखाया ठीक है इस्लाम हमेशा से आपको आइडिया को फॉलो करना सिखाता है कि इस शख्स को आपने फॉलो कर लिया क्योंकि शख्स जो है ना वो वो बहुत एक अगर आप किसी शख्स को की परस्तिश करो परस्तिश मीन उसको उस पेडिस्टल पे रखो कि ये हक है जैसे आपने कहा ना डिफेंड करते हैं अगर कोई गलत बात भी करें ना अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिशियंस के साथ ये होता है क्योंकि उनको वो पसंद है तो अगर वो गलत बात करें और बहुत मतलब इससे आपकी नादानी पता चलती है कि आप कितने नादान हो दिल्कुल और दिल्कुल नादान दिल्कुल मैं बहुत फिल्टर्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ये बहुत बेवकूफ़ाना अमल होता है कि आप किसी की गलत बात डिफेंड करो दिल्कुल खामोशी इख्तियार करो बोला हाँ ठीक है इंसान है गलती होती है जस्टिफाई ना करो उस चीज़ को अच्छा इस चीज़ से मैं एक और बात ये कर रहा था कि सोशल मीडिया ये सब चीज़ें ये जो कंटेंट हमें वायरल करता है ये सोशल मीडिया है और आजकल कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको कोई बात करनी है आपने कैमरा उठाया आपने वीडियो बनाई आपने पोस्ट कर दी ठीक चीज़ है एक, गूगल सर्च हाँ, भी नहीं, मतलब नहीं। हाँ, सुबह ला मतलब आपके पास पहले तो ये था ना कि प्रॉपर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता था अगर आप टेलीविजन पे भी आ रहे हो तो आपको प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता था अब कुछ नहीं है आपने यूट्यूब से चार वीडियोस देखी उन चार वीडियोज़ में से पाँचवा अपना पॉइंट डाला आपने अपनी वीडियो बनाई और आपने पोस्ट कर दिया और जो आपकी डिलीवरी थी ना वो उस लेवल की थी कि जो चार वीडियोज जो आपने देखे, देखे हैं ना वो तो आप कोई उनको जाने का भी नहीं कि आपने कंटेंट कहाँ से उठाया बस आपने खुद बात कर नाउ द थिंग इज मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना इन इट एक टूल है और इसमें बहुत पोटेंशियल है ठीक है इसमें आप खैर का काम बहुत ज़्यादा कर सकते हो दावा कर सकते हो खैर ना भी, भी, भी हो, मतलब प्रोडक्टिव चीजें काफी सारी स्किल लर्निंग है काफी सारी चीजें गलत तरीके से ये फिर आपके लिए मेकर या ब्रेकर हो जाता है ठीक है तो सोशल मीडिया इन इट हम उसको बुरा नहीं कह रहे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है टिकटॉक भी नहीं है टिकटॉक में भी काफी कुछ ऐसा कंटेंट है कि आपको मतलब स्किल सीख लेते हो आप never been on TikTok इत, वैसे never, never, never been on TikTok just to be clear इत इत। अच्छा, <laughs> लेकिन जी जी इसमें प्लेटफॉर्म भी ऐसे डिजाइन किए होते हैं कि आपको मतलब आप लिटरल यू आर नथिंग मतलब कोई नहीं जानता इवन आपका शायद पड़ोसी भी नहीं जानता होगा कौन है ये बंदा रहता भी यहां पे ये कहीं आपने शेख बूस्ट ज़रीन से तो नहीं सुनी बात कि के बात हक है अच्छा मैं ये बता रहा था मैं इसी पे ऐड करता चलूं सोशल मीडिया जो है ना कंज्यूम इट सही तरीके से डोंट गेट कंज्यूम्ड बाय इट व्हेन आई से डोंट गेट कंज्यूम्ड बाय इट हमें ये लगता है कि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं ना वो हमारे इख्तियार में कि हमने क्या कंज्यूम करना है हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है जब आप फेसबुक वॉच पे जाते हैं ना फेसबुक आपको चीज़ें सजेस्ट करते हैं नॉट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो फेसबुक ने आपके डिवेलप करवाए हुए होते हैं ठीक है उसका एलग्रिदम ही पूरा इस चीज़ पे काम करता है इस पर एक डॉक्यूमेंट्री है सोशल डिलेमा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है गो वॉच दैट उसमें आपको इसकी पूरी साइंसिस समझ आएगी कि ये सोशल मीडिया कंपनीज़ जो हैं जो आपके लिए टोटली फ्री टू यूज़ हैं ये पैसा किस तरह से बनाती हैं दे आर यूजिंग यू एज प्रोडक्ट दे आर यूजिंग यू एज अ प्रोडक्ट और वो ऑडियंस तक पहुँचने के लिए वो अपने जो 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 जितना भी कंडीशनिंग है ना वो आपको कर रहे हैं उनको किसी को और चीज़ को करने की जरूरत नहीं है दे आर वर्किंग ऑन यू एंड दे आर मेकिंग यू द प्रोडक्ट कि आप उनके ऐप में जितना टाइम गुजार रहे हो आप जितना ज्यादा उनको कंज्यूम कर रहे हो उनको उतना फायदा है बाउंड हो, हो जाते हैं आई वॉज रीडिंग दिस एक सर्वे हुई थी ट्वेंटी सिक्सटीन में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में और उसमें यह देखा गया था कि इंसान जो है उसके दिमाग में जो है ना एक एक प्रोडक्टिव कोटा uh, होता है ठीक है आपके पूरे दिन का लर्निंग uh, का एक कोटा होता है एक प्रोडक्टिविटी का कोटा आप समझ लें है। उसमें होता यह है कि पूरे दिन के लिए ना वो एक कैपेसिटी होती है और मोस्ट ऑफ अस हम सुबह जब उठते हैं ना शुरू का आधा घंटे ही स्क्रोलिंग में वो कैपेसिटी हमारी फुल हो जाती है उसमें हम जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं चाहे वो कलर्स की सूरत में हो चाहे वो शेप्स की सूरत में हो चाहे वो आवाज़ों की सूरत में हो शुरू का आधा घंटा उठते साथ ही हमने वो फुल कर दिया वो कैपेसिटी उसकी फुल हो गई उसके बाद हमारा पूरा दिन वी गो एज़ अ रोबोट वी डोंट थिंक वी डोंट प्रोसेस हमारा वो जो पोटेंशियल था वो वहीं सुबह कोई आधे घंटे में हमने ख़त्म कर किसी भी चीज़ की ज्यादा जो है ना वो हला कर देती है किसी भी चीज़ की ज्यादाती है इस्लाम है ही दरमिया रस्ते का नाम है इस्लाम हमें कहते ही है जो ये जो ना न ये उम्मत वसत है ये दरमिया उम्मत है हम एक्सट्रीम्स की तरफ कभी भी जाते ही नहीं है और आप देखेंगे जब भी कोई एक्सट्रीम ओपिनियन आता है तो जो एक्चुअल ओपिनियन होगा इस्लाम का जो अहल सुन व जमात का जो एक्चुअल ओपिनियन होगा वो हमेशा दरमियाना ओपिनियन होगा वो कभी भी बिल्कुल इस तरफ का या बिल्कुल इस तरफ का ओपिनियन नहीं होगा बिल्कुल आउटरेजस किस्म का बिल्कुल फनाटिकल किस्म का कभी भी नहीं होगा कभी बेसरा नहीं होता तो दुनिया की जो मिसाल है ना सोशल मीडिया के साथ जो हम जैसे हमें ट्रीटमेंट करनी है वही मिसाल दुनिया की भी है जैसे हमने दुनिया को ट्रीट करना है सोशल मीडिया इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दैट दुनिया वी शुड भी ट्रीटिंग इट सिमिलरली उसकी मिसाल कैसी है एक शख्स ने अभी रिसेंटली हमें एक बात समझाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि दुनिया की जो मिसाल है ना हनी पॉट की तरह ठीक है थीके? एक हनी पॉट की तरह तो आप देखेंगे कि जो भी मक्खी आएगी ठीक है जो भी मक्खी आएगी वो आके अगर उस पॉट के किनारे में बैठेगी इट टेक्स व्हाट व्हाट इट नीड्स और उसके बाद इट विल फ्लाई ऑफ ईजीली जो कोई भी मक्खी या कोई भी कीड़ा जो उसके अंदर लैंड करेगा और उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा मजीद और की लालच के अंदर एक्सट्रीम पे जाएगा अब, जाएगा अब वो पकड़ा जाएगा अब बाहर analogy, नहीं निकल सकता तो ये एग्जाम्पल जिस तरीके से दुनिया के ऊपर फिट होती है ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर ये इफ़ यू गो राइट इन द डेड सेंटर ऑफ सोशल मीडिया और उसके बाद आप वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल कंज्यूम कर लेते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी है प्राइमरी सोर्स ऑफ टाइम पास भी है सोशलाइजिंग भी है ठीक देन गॉन फॉर ऑल मनी आपकी जिंदगी आप कितने लोगों को जानते हैं जिन लोगों की सोशल मीडिया के बाहर कोई जिंदगी नहीं है ना वो लोगों से बात कर सकते हैं लेकिन ना वो लोगों से सोशलाइज़ कर सकते हैं ना उनके बाहर कोई दोस्त हैं दी ओनली पीपल दे नो एंड दी ओनली पीपल दैट नो दैम आर ऑन सोशल मीडिया जब बाहर निकलो तो आप कौन भाई साहब अपना आप दोस्तों की बात कर रहे हैं पड़ोसियों की यहाँ उनके अपने कज़न भी उनको जानते हैं अच्छा ये भी मेरा कज़न है कि दूरपार का ये हालात हैं यहाँ पे तो ये वाले इशूज जो है ना वी, वी हैव टू तो बी वेरी वेरी केयरफुल विद रिगार्ड्स टू consumption ऑफ ऑल ऑफ these थिंग्स जो दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें इन सब के ऊपर हमें सेम जो है ना वो अमल दरामद करना पड़ेगा और इसके साथ, साथ एक और चीज़ में यहाँ पर अगली चीज़ ऑफ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड वो ये कि ये जो हम बार बार इस ट्रैप के अंदर फॉल करते हैं आ, आप देखते होंगे हम कह रहे हैं कॉन्टेंट क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं हम हमें पहले वक्त के सेलेब्रिटीज़ होते थे या बड़ा एक नीच किस्म की लोग होते थे अब जैसे आपने कहा कहान के हर बंदे के पास इसके पास कैमरा है ही कुड बी अ सेलिब्रिटी ही कुड बी अ कंटेंट क्रिएटर हर कोई बंदा ये कर सकता है okay. तो ये जो इजी वे आउट है नहीं जो रास्ता है इसके पीछे एक बड़ी आ, बड़ी सिंपल सी वजह है कि ये लोगों ने ये रास्ता क्यों अपनाना शुरू किया हुआ है द इजी वे टू फेम ये लोगों ने क्यों अपनाना शुरू किया वे? उसकी रीज़न है उसकी रीज़न ये है कि हमारे वालदे ने हमारे माशरे ने हमारे मीडिया ने हमें ये सिखा दी है कि आपका मकसद है जिंदगी के अंदर कामयाब होना और वो कामयाबी का जो पैमाना सेट कर रहे हैं वो पैमाना क्या है क्राइटेरिया ये है कि hmm. चीजें hmm. हो, हो अच्छा हाउ टू गेट देर ये इसके बारे में कोई डिस्कशन ना ये प्लेटफॉर्म्स करेंगे hmm. ना कभी और हराम की बात करेंगे बिकॉज ये इनके स्कोप से बाहर की चीज है ठीक है

एक एक स्लेव ऑफ अल्लाह की टांगे उस वक्त तक रेस्ट नहीं करेंगी जब तक उससे चार सवाल ना पूछ लिए जाएं पहला सवाल ये है कि अपनी जवानी कहाँ अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी दूसरा सवाल जवानी कहाँ गुजारी तीसरा रेस्ट जो अल्लाह ताला ने दिया जो माल कमाया वो कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया और जो चौथी चीज़ है वो इल्म कहाँ से सीखा मतलब कितना पहुँचाया आगे वल्ला अगर हम खुद से पूछे ना मतलब आई वोंट डिस्कस इट इवन फर्दर बस ख़ुद से ये सवाल पूछेंगे क्या हम हमारे पास जवाब पहले सवाल का भी है क्या हम दूसरे तक तो हम पहुँचेंगे ही नहीं पहला सवाल दूसरा सवाल तो वो आप जो कह रहे हैं ना वो एक बेसिकली ज़िंदगी का एक परसपन ऐसा दिया हुआ है कि जिंदगी जो है ना वो योलो लो बस यही दुनिया है यहाँ पे जितने लोग जानेंगे वो नहीं एक डोपमें हंगरी सोसाइटी एक डोपमें हंगरी माशरा बना दिया कि बस आपने ये ये चाहिए ये लाइक्स हैं आपने फेम वो देखो वो फेमस हो रहा है तुम भी फेमस हो सकते हो कैमरा उठाओ मतलब लिटरली छोटा छोटा बच्चा कैमरा उठा रहा है कंटेंट बना रहा है और वो उस उस रैट रेस में रीजन नहीं है कोई इंसान का कभी भी कोई काम करता है ना उसके पीछे पर्पज होता है कोई पर्पज नहीं है सिर्फ फेम सिर्फ फेम वो एक डोपिन सर्च जो है ना वो जो मिलता है ना जब आपकी दस लाइक्स आते हैं या बारह लाइक्स आते हैं मतलब लिटरली इतने मैंने बच्चों को देखा था गाड़ियाँ मॉडिफाई कर रहे हैं और पता नहीं मतलब मेहरान है लेकिन मेहरान को मॉडिफाई कर रहे हैं उसको व्लॉग बना रहे हैं मतलब थिंक अबाउट इट कि किस तरह से एक मटीरियलज्म के आप ट्रैक पर चढ़ चुके हो इस मीडिया की वजह से मजे की बात यह कि जो जितने भी यूथ मतलब एवरी वन जो भी लुकअप करता है इस मतलब फेम वाले लाइफ स्टाइल या एक सेलिब्रिटी वाला लाइफ स्टाइल मजे की बात यह कि वो जो खुद सेलिब्रिटी हैं

ये उनसे जब दीन पर आए उससे पहले की बात तो आ, हुआ क्या एक दिन सुनने में आया कि वो ही आ, पता नहीं कोई दवाई ले ली थी उन्होंने जहर ले लिया Overdose. था ओवर डोज कर लिया था तो उससे डेथ हो गई एंड इट वॉज यानी अ मैसिव बैक फॉर क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ वो तो चाह रहे थे उस तरह का बनने का उन्होंने बोला मैं जिसको अपना आइडियल माना हुआ वही उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया तो ऐसा क्या था उसके पास तो सब कुछ था माल फेम वेल्थ मतलब लड़कियाँ क्या अब किस चीज़ की जरूरत है सब कुछ है लेकिन वही बात है इनर पीस नहीं है और हमारी यूथ उन्हीं को लुकअप कर रही है उन्हीं के सोंग उसको रटे हुए बच्चे बच्चे को लिरिक्स आती हैं लेकिन जब दीन की बात आती है उनको नहीं पता होता आपने जब कुरान को पीछे डाल दिया आपने जब बस कुरान बस को पीठ पीछे डाल दिया तो अब आप मुझे बताएं कि आपके पास मोरालिटी कहाँ से आएगी सही बुरे की तमीज़ कहाँ से आएगी और फिर उसके बाद जब आपको सर से बात जब इन सारी सोसाइटी जो आपने क्रिएट की है इसके जब नतयज आपके सामने आते हैं ठीक है जब सीरियल गल पैदा होते हैं ठीक है जब रेपेज पैदा होते हैं ठीक है जब ये ज्यादा करने वाले जब आप करप्शन की बात करते हैं ये सब करप्ट प्रस ये बेस इनकी वजह ये है, है कि, कि, भी कि भी आपने भी भी लोगों के अंदर खुदा खुदाखोफी निकाली आपने लोगों के अंदर खुदाखोफी बाहर निकाल के फेंक दी अब चाहे जो मर्जी करो जो हमने शुरू में बात की फैजा आलम दस्ता ये फफल माशद जो मर्जी करो उसके बाद अब तुम्हें कौन रोकने वाला है अब तुम्हें कौन पूछने वाला है मोरालिटी की कोई बेसिस ही नहीं है कोई तमीज़ ही नहीं अच्छे बुरे की अब चाहे तुम इस तरीके से अमीर हो अब वहाँ से अमीर हो जो मर्जी अकाउंटेबिलिटी है नाई मतलब बात वहीं पे आ जाती है कि जब कोई क्राइटेरिया ही नहीं है आपको प्लेटफॉर्म इतना अब मैं कुछ नाम लेता हूँ लोगन पॉल जेक पॉल पॉल ब्रदर्स बहुत मशहूर हैं और जिस तरह का वो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं उनकी नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑडियंस है ना वो यंग बच्चे हैं टीन और जो अर्ली uh, ट्वेंटीज़ में लोग हैं वो उनका कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गाली दे दो अपना चैनल है कोई कुछ नहीं कह सकता ठीक है पॉलिसीज़ में रहते हुए uh, एक बहुत कंट्रोवर्सी भी आई थी कि कमिटेड सुसाइड uh, किसी जापान के फॉरेस्ट में और उसको वो रिकॉर्ड करके हंस रहे हैं उस चीज में Allah. तो मतलब मोरलिटी और उसकी बातें तो आप तब करो ना जब कोई कोई क्राइटेरिया उस जगह तक पहुंचने का आज मतलब बस, बस आपके दस हजार सब्सक्राइबर्स हो गए आपने एक अपनी दुनिया बना ली और फिर बस आप जो चाहे आप, आप वहाँ पे रूल्स डिफाइन करते हो कोई लिबरलिज्म मतलब आप, आप दिन का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं ना मतलब ये जो ये जितने भी और मजे की बात यह है कि जो ये फेम वाली हम बात कर रहे हैं हाउ यू गेट देयर ये तो एक और वहस है जो हमने डिस्कस की क्यों उसकी वजह hmm. क्या है कि क्यों वहाँ तक पहुँचते हैं पर्पज़ hmm. नहीं है लोगों के पास गाइडलाइंस नहीं है दीन को पशे पुस डाल दिए तो फिर पीछे एक बात सवाल ये पैदा भी होता है कि ये जो सारा का सारा गोल था मशहूर होने वाला वॉन्टिंग टू बी नोन ठीक है ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल हमारे दीन के मिजाज के ऑपोजिट है और आप नोटिस करेंगे कि साहबा रजी अल्ला जो है वो हमेशा स्पॉट लाइट से और इस तरह की जिम्मेदारियों से हमेशा पीछे पढ़ पीछे हट जाए मतलब अब आप नोटिस करें कि बड़ा मशहूर वाक्य है पुरानी मजीद की गालिबन जो आयात थी इफ़ आई एम नाट मस्टेक मैं उसकी तस्वीर पढ़ रहा था अब सला जब ये आयात उतरी तो लोगों ने जो है ना आके सवाल किया अद अबू बकरीक रजियाल्ला तफ आई एम नाट मस्टेक हाँ से उन्हीं आयात की तस्वीर के जरिए उन्होंने सवाल किया कि इन आयात का मतलब क्या है यहाँ पर अला सुबह तैयार किसकी तरफ़ इशारा कर रहे हैं इनका मतलब क्या है और हज़रत अबू बकर जो है वो लोगों से भाग रहे हैं नॉट लिटरली ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड पीपल कि मुझे इस सवाल का जवाब ना देना पड़े और जब फाइनली वन पीपल गॉट होल्ड ऑफ हिम तो उन्होंने जब उनसे पूछा जब पूछा कि आप मुझे क्या बताओ कि वो उन्होंने कहा कि मैं मैं कहाँ जाऊँगा मैं आसमान के अंदर कहाँ छुपूंगा मेरे ऊपर आसमान से कुछ बरस रहे पत्थर बरस रहे हैं मैं ज़मीन और आसमान के अंदर कहाँ छुपूंगा अगर मैं अल्लाह सुबह तला के अल्फाज की गलत ताबीर कर देता हूँ मैं उसकी गलत एक्सप्लेशन देता हूँ और आज आप देखेंगे हर टॉपिक के ऊपर हर बंदा दीन वाले मामलत के ऊपर भी हर बंदा जो है ओपिनियन देता है वी आर नॉट अफ्रेड वी आर अनबॉड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है फितने के दौर के अगर आप अहदीस अहदीस निकालें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी जो तुम्हारी कमाई होगी जो तुम्हारी मता होगी वो तुम्हारी वो बकरियाँ होंगी जो तुम ले कर पहाड़ों के अंदर निकल जाओगे और जंगलों में निकल जाओगे और वहाँ जा अपना ईमान महफूज कर लोगे ये सबसे कीमती चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास यानी इसे मुराद ये कि तुम्हारा ईमान इतना इम्पोर्टेंट है कि इफ़ यू हैव टू रन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड और अपने आप को बिल्कुल महसूस करना पड़े अपने ईमान अपने ईमान को बचाने के लिए सो यू डू दैट लोगों के सामने रहो और हम यहाँ पे बिल्कुल एक ऑपोजिट लाइन में एक और हदीस में यहाँ तक आया है कि आ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आ, फला की इन चीज़ों के अंदर है बेसिकली जैसे आप कहेंगे ना कि लोगों की जिससे आप कहेंगे कामयाबी किस चीज़ के अंदर है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाबी जो है ना वो तीन चीज़ों के अंदर है और वह तीन चीज़ें क्या है कि आप जो है ना वो आ, क्या कहते हैं अपने घरों में महसूर रहें अपने गुनाहों के ऊपर रोएं ठीक है और अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें मतलब ये तीन चीज़ें अल्लाह के नबी सल बयान कर रहे हैं कि अपने घरों के अंदर महसूर हो जाओ ठीक है ये वो चीज़ है और अपने गुनाहों के ऊपर रो मतलब ट्राई टू बिकम अन और सुबह अल्ला हम जो है वो वी वॉन्ट टू बी नोन वी वॉन्ट टू बी फेमस एंड वी आर अनबॉडर्ड जो उसके साथ जो जिम्मेदारी आएगी अल्लाह अकबर मतलब True. क्या हमारी यूटिफली सेट नहीं माशा अच्छा अभी तो हमने प्रॉब्लम्स पे काफ़ी सारी बात कर ली है वट्स द सोल्यूशन वट डू यू थिंक द सोल्यूशन रियलिस्टिक लेवल पे बंदा करे तो करे क्या मतलब किस तरह से इस चीज़ को जो है ना फिक्स करें मतलब प्रॉब्लम्स तो हो गई हैं ठीक है कंटेंट इस तरह से है ये चीज़ नहीं करनी वो चीज़ नहीं करनी करना है ये ब्रो मेरे ओपिनियन के मुताबिक

वक्त ज़ाया करने का भी दिल नहीं चाहेगा ठीक है और आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं आप उन लोगों को फॉलो भी नहीं करेंगे आप इतने आम से इन्फ्लुएंस भी नहीं होंगे सोशल मीडिया से और जो बंदा अपनी इबादत के ऊपर फोकस्ड है अपनी आखरत के ऊपर फोकस्ड है अपनी जिंदगी के मामला के ऊपर फोकस्ड है सच अ पर्सन वोंट हैव टाइम फॉर सोशल मीडिया के वो पूरा दिन बैठ के स्क्रॉलिंग करता रहा उसके बाद बड़ा लिमिटेड टाइम होगा तो वो ऑलरेडी उसकी जिंदगी जो है ना वो बड़ी फोकस्ड रहेगी और लाखिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एक हदीस के अंदर भी आया है कि पार्ट ऑफ परफेक्शन ऑफ वंस दीन इज़ कि दैट पर्सन लीव्स सब एनी थिंग दैट डज नॉट कंसर्न हिम तो ये हमारे दीन की परफेक्शन का हिस्सा है जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे मतलब की नहीं है हमारे गर्ज़ की नहीं है हम उसको छोड़ दें उसके बारे में फिक्रमंद ना रहें तो ये तो सिर्फ तब आएगा जब हम अपने गोल के ऊपर फोकस्ड हैं हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, पे इस, इस चीज़ के ऊपर है अब आ जाए प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं हम, हम इसके ऊपर क्या ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं प्रैक्टिकली जो मैं एक्चुअल में कर सकूँ ये तो थॉट प्रोसेस चेंज करना है ना ऑल टुगेदर पीछे से तरबियत से ठीक है जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं वो मैं सबसे पहले ये दूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया की जो है न वो सफाई करें मैं नहीं कह रहा कि डिलीट करें मुझे पता है आपने भी डिलीट कर रहे हैं दोस्त बता रहे हैं दोबारा इंस्टॉल करके दोबारा से वही करते रहे आपने सोशल मीडिया की सफाई करें चाहे वो आपका इंस्टा है चाहे वो आपका फेसबुक है चाहे वो आपका कोई भी और प्लेटफॉर्म है स्नैपचैट वगैरह मैं तो खुद यूज़ नहीं करता मुझे ज़्यादा पता नहीं इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा आप जिन लोगों को उसको उसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं ना वो हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं फॉर uh, एग्ज़ाम्पल हमारे करीबी भाई थे अभी हम एक टीचर के साथ डिस्कशन हो रही थी हम कुछ लोग भाई बैठे हुए थे तो हमने कहा कि हमारे एक प्यारे भाई हैं तो उनको हम कहते हैं कि आप सोशल मीडिया को ज़रा टोन डाउन करें ठीक है ये हमारी डिस्कशन हो रही थी तो शेख हमारे साथ बैठे थे एक टीचर हमारे थे उन्होंने कहा कि ऐसे आपस की बात है कि जो जो चीज़ें वो भाई कंज्यूम करते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर जो जिन पेजेस को उन्होंने लाइक किया हुआ है जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं जो चीज़ें वो पढ़ रहे होते हैं कहते हैं वो मुताले से कम नहीं है वो दीनी कुतुब के मुताले से कम नहीं है नहीं। तो अल्लाह अकबर उ जब हम इन चीज़ों पर देखते हैं तो वाकें नजर आता है कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सोशल मीडिया यूज़ ही उस तरीके से कर रहे हैं कि जिन्होंने उन लोगों को फॉलो किया हुआ या मेजॉरिटी एटलीस्ट इतनी उन चीज़ों की है बीच में ऑब्वियसली इस तरह आपने कहा कि आपके ऊपर ऑन स्लॉट होती है जो सजेस्टेड चीज़ें हैं चीज़ेंटमेंट होती है लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपके सामने वो आ रही हैं जो चीज़ें आप देखना चाहते हो या जिन चीज़ों को देखने की वजह से आपकी इंटेलेक्चुअल आपके दिन के हवाले से या आपको रिमाइंडर्स मिलते हैं उस चीज़ के ऊपर तो आप जो है जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और जिन लोगों को आपने अनफॉलो करना है इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें और नंबर टू आप जो है ना वो जो प्रैक्टिकल टाइप है आप कोई ना अपनी एक हर बंदा कोई एक एक्टिविटी एटलीस्ट कोई एक ऐसी एक्टिविटी बना लें जो आपका टाइम कंज्यूम करे जो आपका फ्री टाइम कंज्यूम करे मतलब तो आपके पढ़ने का अलग टाइम है ठीक है समझ आ गई आपका काम करने का अलग टाइम है ठीक है समझ आ गई आपका फैमिली टाइम जो है वो अलग से ये भी समझ में आएगा उसके बावजूद हर बंदे के पास फ्री टाइम बचता है ये जो फ्री टाइम होता है ना ये जब आपका जहन फ्री होता है एम माइंड इज द डेवल्स वर्कशॉप इस वक्त जो है ना वो शैतान आपके साथ जो है ना वो गेमें करता है और आपको सोशल मीडिया पे लेके आता है और सोशल मीडिया से फिर आपको और वेबसाइट्स पे लेके जाता है फिर वहां से कई दफा आप पोनोग्राफी की तरफ जाते हैं और वो एक नेवर एंडिंग जो है ना वो एक साइकिल बन जाता है तो आप कोई एक ऐसी हैबिट कोई एक ऐसा अपना जो है ना वो पैशन पकड़ लें कि मैंने ये करना है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वाइसी वालों का फेवरेट टॉपिक uh, बाइकिंग करें <laughs> बाइकिंग करना कर है <laughs> बाइकिंग कर सकते हैं आप बॉक्सिंग बॉक्सिंग हॉर्स हॉर्स राइडिंग होर्ष राइडिंग स्विमिंग गोल्फ ठीक है या फिर गोल्फ आईसी वालों की स्पोर्ट वालों <laughs> लेकिन एनीथिंग एट कुछ लोगों को बुक रीडिंग का शौक होता है ठीक है ना आप तो अगर बुक रीडिंग बहुत अच्छा शौक है आप बस बुक जो चूज करें मिसाल के तौर पर मुझे मोटर स्पोर्ट्स का शौक है ठीक है तो आप उसके ऊपर टाइम अपना स्पेंड कर लें अगर आपने बजहिज़ के आप बजायस के, के आप गुनाहों में पढ़ें आप वो वाला टाइम जो है ना वो अपनी गाड़ी को बनाने में लगा दें आप मोटरसाइकिल को तैयार कराने में लगा दें यू गो आउट विद फ्रेंड्स ठीक है आप टूर पर निकल जाया करें यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें जब आप मसरूफ़ रहेंगे अपने आपको थका रहे हैं आप ठीक है और हलाल चीज़ों के अंदर तो ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन जो चीज़ें आपको बचा के रखेंगी इस द नीड टू द दॉन्ट टू बिकम फेमस एंड एंड द जो फोमो आपने कहा ना फियर ऑफ मिसिंग आउट इस सारे प्रोसेस से आपको जो है ना वो काफ़ी हद तक आप इन बच के रहेंगे माशा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्मान मैं एक अदीस का मफहम बताऊँगा जिसमें नबी नबीरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो मौत को कसरत से याद करे और उसकी तैयारी करे एक सहाबी का सवाल था बोल के तो जब आपको ये पता चल जाए ना स्नेदर भाई ने बोला कि हम कहाँ से आएँ यानी पर्पज़ क्या लाइफ का और हमें कहाँ जाना है जब तक जब तक आपके आपके जहन में ये चीज़ क्लियर नहीं होगी या अपने आप को बार बार उस उस चीज़ से आप अपने आप को रिमाइंड नहीं कराएंगे तो ऑफ कोर्स लैक ऑफ पर्पस होगा आप इधर उधर जा रहे हैं आपको पता ही नहीं एक ट्रेन में बैठे हैं कि वो किधर हेडेड है hmm. तो जब आपको ये पता होगा हाँ भाई मुझे मरना है मेरी लिमिटेड लाइफ है आई नीड टू डू समथिंग विच विल हेल्प मी सक्सीड इन द हेयर आफ्टर तो फिर ही आप सबाला टाइम वेस्ट अपना अवॉइड करेंगे जिस सोशल मीडिया पे एंडलेस स्क्रोलिंग होती है hmm. कोई उसका वो नहीं और Uh, इसमें प्रैक्टिकल practical, प्रैक्टिकली uh, अगर मैं बात करूँ तो uh, काफ़ी एप्स हैं जो कि टाइम लिमिट लगाती हैं तो उसको आप uh, उसको यूज़ कर सकते हैं uh, इसके अलावा uh, कोई जिस तरह हैदर भाई ने बोला प्रोडक्टिव चीज़ें उनको अपनाएं इट कुड बी एनी थिंग और uh, जिस तरह सोशल यूथ क्लब है इसी तरह के और, और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें फिजिकली जो एक इंसान इंटरेक्ट करता है ना फिजिकली बैठ yeah, के true. मिलता है उसकी बात true. बिल्कुल और yeah. ही होती है यानी वही बात है ना ने बोला हमने पहले डिस्कस की yeah. कि ऑनलाइन हम सबसे बातचीत कर रहे हैं yeah. फिजिकली कोई जानते ही नहीं उसको भाई तुम कौन हो true. तो ये कुछ चीज़ें हैं और लजमा मैं अमल करने वालों आमीन अच्छा मैं ये समझता हूँ कि पहली चीज़ तो ये खुद को डोपाम डिटॉक्सिफिकेशन पे डाल दें सोशल मीडिया एक दो हफ्ते के लिए बिल्कुल डिलीट कर लें सिर्फ काम के एप्लीकेशंस व्हाट्सएप हो गया आई थिंक दैट्स वेटी मच इट फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट टिकटॉक जितने भी बाकी एप्स हैं उन सब से ख़ुद को डिटॉक्सीफाई करें ताकि एक दफ़ा पहले आपकी बॉडी जो है ना वो रीसेट कर जाए अपनी डिफॉल्ट स्टेट पे आ जाए उसके बाद वो एप्स जो बहुत एडिक्टिव हैं जिनमें में इंस्टाग्राम और फेसबुक है क्योंकि वो एंडलेस करोल है ठीक है वो एंडलेस स्क्रोल है वो कभी ख़त्म नहीं होगा आप करते जाएंगे चीज़ें आती जाएंगी और वो आप बेसिकली इतना रिसीव कर रहे हैं ना कि वो वो मतलब यूजलेस चीजें हैं लेकिन आप बस क्योंकि आप उस, उस, उस पर चल पड़े हैं बस आप स्क्रोल किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं ऐसे ऐप्स को जो है ना अपने फोन में इंस्टॉल ना करें बहुत ज़रूरी है यूज करना कंप्यूटर में यूज करें वना ऐसे कंप्यूटर में यूज करें कंप्यूटर जो है ना उसका जो इंटरफेस होता है ना वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता तो आप सिर्फ काम के हद हाँ तक ही उसको देखोगे और फिर या फिर ब्राउजर पे पर हाँ, ब्राउजर पे ब्राउजर पे मतलब लैपटॉप पे पीसी पे आप यूट्यूब अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें आज कल तो यूट्यूब भी जो है ना वो एंडलेस कर उसमें भी आ गया और कोशिश करें कि जो कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो कॉन्शियसली कंज्यूम करें अपनी मर्जी का कंज्यूम करें फेसबुक वॉच पे ना जाए इंस्टाग्राम डिस्कवर या रील वाले पेज पे ना जाए क्योंकि उसमें आपको कंटेंट जो है ना वो एलगोरिदम सजेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है जिसकी वजह वज़ा, से आप इमोशनली फिज़िकली हर लिहाज से आप ड्रेन हो रहे हैं है। आपको वो कंज्यूम कर रहे हैं डोंट लेट दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंज्यूम यू कंज्यूम देम और ऑर्गेनाइज करें जैसे भाई ने आपने बात की बड़ी खूबसूरत कि गेट योर सेल्फ बिजी ठीक है एक हदीस मैं आज पढ़ रहा था सही बुखारी की है अहसन हदीस है तरमीदी में भी मैंशन है वो ये कि रसोल सल्ह सहाबा को ये फरमाते हैं कि दो अल्लाह की नियमतें हैं ना जिसका इंसान जो है ना उस ब्लैसिंग का शिक्र नहीं अदा करता तो पूछने वाले ने पूछा कि या रसोल्ला कौन सी वो ब्लैसिंग्स हैं एक गुड हेल्थ और एक फ्री टाइम फ्री टाइम इज़ ए ब्लैसिंग ऑफ अल्लाह सुबहान तुड हेल्थ को तो मतलब अलहमदल अल्लाह सुबहान ते तंदुरुस्त बनाया हमें फिट बनाया फ्री टाइम अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करें उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करें तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उसमें कोई स्किल सीख लें कोई प्रोडक्टिव काम में लग जाएं बजाय इसके कि वो एक घंटा आप जो जो हम अनफॉर्चुनेटली हम फ्री टाइम क्या समझते हैं कि मैंने सब काम कर लिया अब ये टाइम ज़ाया करने के लिए मेरा फ्री टाइम नहीं इंटरटेनमेंट भी जो है ना वो ऐसी कंज्यूम करें कि जिससे आपको कुछ सीखने को मिले काफ़ी सारे ऐसे कॉन्टेंट ऑनलाइन uh, भी मौजूद है काफी सारी ऐसी चीजें आप स्किल सीख लें कोई एक घंटे में आजकल तो आप कोई भी नई स्किल सीख लेते हो तो ये uh, मेरे कुछ टू सेंट्स थे एक दो सोचा अभी बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लगे अब हम क्या करते हैं यूजली सोशल सोशल मीडिया पे जट से कोई वीडियो है उसमें कुछ नेगेटिव बातें हैं अब करेंगे क्या उसी वीडियो को शेयर करेंगे और ऊपर जो है ना वो लिखेंगे कि भाई इसमें ये गलत है ये गलत है यार आप पार्ट ऑफ द प्रोसेस आप उसी को मशहूर कर रहे हो

ऐसा ऐसा कम होता जाता है तो सोशल मीडिया आपको बेहया भी बनाता है अनफॉर्चुनेटली बहुत yes, मतलब ये बहुत मतलब अगर आप बहुत इसकी कम से कम भी अगर आप करके देख लेना कि क्या चीज़ है जो वर्ट कुड बी द लाइक वर्स्ट केस सीनारियो ये मतलब सबसे उसका इनिशियल लेवल है कि yes, आप बेहया से हो जाए हमने जितने भी टॉपिक्स के सारे टॉपिक ऊपर जो बात की है जस्ट स्क्रैच द अब ये हर एस्पेक्ट जो हमने सरसरी से डिस्कस किया है इसके अगर आप डेप्थ में जाएँ तो ये बाकायदगी से पूरी पूरी जो है ना वो सीरीज़ बन सकती है इनके ऊपर कि sure. यार डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बन सकती sure. है सोशल yeah. मीडिया के ऊपर sure. बन सकती है हया वाले एस्पेक्ट के ऊपर sure. बन सकती है sure. आ, पीपल आ, वांटिंग टू तो गो वायरल sure. फे, फे, फेम के ऊपर बन सकती है मतलब बेशुमार इसके ऊपर टॉपिक्स निकल सकते हैं लेकिन आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है एक चीज़ हमने एड्रेस नहीं की अपने इस पॉडकास्ट में पॉडकास्ट का नाम है वजी पॉडकास्ट भाई कहां अच्छा फॉर दोस ऑफ यू वजी भाई, <laughs> भाई, <है> <laughs> अच्छा, भाई माशाल्लाह उनकी बेटी हुई है फॉर द थर्ड टाइम अल्लाह सुभान तआला उनकी आंखों की ठंडक बनाए उसे आमीज़ आमीज़। तो वो थोड़ा जो है मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके आज के पॉडकास्ट में तो आज हमारे अमीर जो हैं <laughs> टेम्परेली <laughs> <दिन्या भाईर। laughs> शेख हैदर के असर हैं तो आई थिंक शेख रैप करें जस्ट रैप इट अप इंशाल्लाह जजाक खैर बहिज़ अब से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लियाँ आज के लिए बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुबह हम लोगों को इन सारे मामलों के ऊपर जो डिस्कस किए इसके ऊपर अमल की तोफीक दे और जो कुछ भी हमने यहाँ पर सीखा इसको हमारे हक़ में जो है ना वो हजर बना हमारे खिलाफ कहीं हजर ना बन जाए और अल्लाह सुबह इस यहाँ पर जो भी खैर की बात हमने की वो अला सुबह की तरफ से थी और उसके रसूल सल जो भी गलती थी कमी थी कोताही थी वो हम लोगों की अपनी थी और इन शाली वीक

इस तरह के और मजीद वीडियोस पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ क्लिक ऑन द पेट लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ